नमस्कार दोस्तों, साहित्यवाणी यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं SS पुनिया आप सभी विद्वान साथियों का साहित्यवाणी के यूट्यूब पोर्टल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, आज का वीडियो हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य विषय के एक बहुत ही रोचक एवं महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है रिपोर्टाज। हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज और रिपोर्टाज लेखक, और साथ ही रिपोर्टाज का अर्थ और स्वरूप, और हम बात करेंगे रिपोर्टाज के विकास पर। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको बहुत ही नए नए तथ्यों की जानकारी होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, रिपोर्टाज का अर्थ और स्वरूप। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से मिलता जुलता है, लेकिन रिपोर्ट समाचार पत्रों के संवाददाता लिखते हैं, जो तथ्यों का संकलन मात्र होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य पाठकों को तथ्यों से परिचित कराना होता है। वास्तविक घटना को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना रिपोर्ट है, अर्थात रिपोर्ट सूचनात्मक होती है। वहीं रिपोर्टाज साहित्यिक शैली में लिखा जाता है, इसमें साहित्यिक कल्पना भावुकता साहित्यिकता कल्पना भावुकता संवेदना का पुट होता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज में भावना का आवेग होता है। बाबू गुलाब राय लिखते हैं, रिपोर्ट की भांति ये घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है, किंतु इसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता है, जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसको प्रभाव में बना देता है। हिंदी में इसे वृत्त निर्देशन या सूचिका कहा जाता है, परंतु वर्तमान में रिपोर्टाज नाम से ही प्रचलित है। इस विधा का प्रादुर्भाव यूरोप में 1936 ईस्वी के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के समय ही यूरोप के रचनाकारों ने युद्ध के मोर्चे से साहित्यिक रिपोर्ट तैयार की। इन्हीं रिपोर्टों को ही बाद में रिपोर्टाज कहा गया। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया गया। हाल ताज में ही घटी तथा लेखक द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई घटनाओं का अंतरंग अनुभव के साथ किया गया वर्णन रिपोर्टाज है। डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय के अनुसार किसी घटना की रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहा जाता है। इसी क्रम में उन्होंने आगे लिखा है, बिना कल्पना को अनुभव में बदले सफल रिपोर्टाज नहीं लिखे जा सकते, साथ ही अनुभव को कल्पना में पकाए बिना भी रिपोर्टाज का सफल लेखन नहीं हो सकता। वहीं डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार कल्पना के सहारे रिपोर्टाज नहीं लिखे जा सकते, रिपोर्टाज लिखने के लिए जनता से सच्चा प्रेम होना चाहिए। विशंबरनाथ उपाध्याय लिखते हैं, उसका संबंध सिर्फ वर्तमान से होता है, किंतु उसका लेखक वर्तमान के उस बिंदु पर होता है जिसमें भूतकालीन मूल्य और रचनाएं रहती हैं और भविष्य के प्रति उत्कट लालसा भी। अब बात करते हैं रिपोर्टाज की विशेषताओं के बारे में। रिपोर्टाज में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे हमने इसको बिंदुओं में बांटा है, ये आंखों देखी घटनाओं के आधार पर लिखा जाता है, इसलिए इसमें तथ्यों की प्रधानता और कल्पना तत्व कम मात्रा में पाया जाता है। ये घटना प्रधान होने के साथ साथ कथा तत्व से युक्त होता है, क्योंकि घटना का यथातथ्य वर्णन इसका प्रमुख लक्षण है। तीसरा है, लेखक को वस्तु स्थिति और विषय की जानकारी होनी चाहिए, यानी जिस विषय पर हम रिपोर्टाज लिख रहे हैं उसकी वस्तु स्थिति और उसके विषय के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। चौथा है, लेखक में संवेदनशीलता और सूक्ष्म पर्यवेक्षण की शक्ति आवश्यक है। पांचवा है, इसका सरसता प्रभाव और भाव प्रवणता इसके अनिवार्य गुण हैं। इसके बाद हैं, सीमित परिधि में अधिक तथ्यों को प्रस्तुत करना इसका लक्ष्य होना चाहिए, परंतु आकार का कोई बंधन नहीं होता, वह छोटा या बड़ा हो सकता है। अगला है, इसमें साहित्यिकता एवं कलात्मकता का समावेश होना चाहिए। अब बात करते हैं हम हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज और उनके लेखक। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवदान सिंह चौहान की, जिनका लक्ष्मीपुरा
जो उपन्यास रिपोर्टाज है, सबसे पहला रिपोर्टाज माना जाता है, और दूसरा इसका इनका मौत के खिलाफ ज़िंदगी की लड़ाई। अगले हैं रांगे राघव, इनका रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। फिर हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, इनका है स्वराज भवन, अल्मोड़ा का बाज़ार, बंगाल का अकाल, और रेखा चित्र, यानी रेखा चित्र नाम से इनका रिपोर्टाज है। फिर हैं वदंत आनंद कौशल्यान, देश की मिट्टी बुलाती है, इनका रिपोर्टाज है। फिर हैं उपेंद्र नाथ अस्क, पहाड़ों में प्रेम में संगीत, रेखा चित्र और चित्र, रेखाएं और चित्र, दूसरा इनका रेखाएं और चित्र। फिर हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा। इसके बाद हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनका रिपोर्टाज है क्षण बोले कण मुस्काए। फिर हैं श्रीकांत वर्मा, इनका है अपोलो का रथ। अगले हैं लक्ष्मीचंद जैन, कागज़ की कश्तियाँ और नए रंग नए ढंग। फिर हैं शिव सागर मिश्र, वे लड़ेंगे हजारों साल। फिर हैं धर्मवीर भारती, इनका है युद्ध यात्रा। इसके बाद हैं अज्ञे, इनका भी देश की मिट्टी बुलाती है। फिर हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इनका है ऋणजल धनजल और नेपाली क्रांति कथा। फिर श्रुत अश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट्स। इसके बाद हैं विवेकी राय, इनका है जुलूस रुका है और बाढ़ बाढ़ बाढ़। इसके बाद हैं भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे। राम कुमार वर्मा का है पेरिस के नोट्स। निर्मल वर्मा का है प्राग एक स्वप्न। कमलेश्वर का है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। श्रीकांत वर्मा का है मुक्ति फौज। यशपाल जैन का है रूस में 46 दिन। मणि मधुकर का है पिछला पहाड़ और सूखे सरोवर का भूगोल। राम नारायण उपाध्याय का है गरीब और अमीर पुस्तकें। विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार का है शिवालिक की घाटियों में। और मुनि कांति सागर का है खंडर के वैभव। तो ये थे हिंदी के कुछ प्रमुख रिपोर्टाज और रिपोर्टाज लेखक। अब बात करते हैं हिंदी रिपोर्टाज के विकास के बारे में। तो हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इनके रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है, जिसका प्रकाशन सुमित्रानंदन पंत के संपादन में निकलने वाली पत्रिका रूपाव में दिसंबर 1938 के अंक में हुआ था। लक्ष्मीपुरा में एक गांव के हलचल भरे जीवन का सचित्र चित्र है। कुछ समय बाद ही हंस पत्रिका में उनका दूसरा रिपोर्टाज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई शीर्षक से प्रकाशित हुआ। संपादक के रूप में उन्होंने अपना देश नामक स्थायी स्तंभ प्रारंभ किया, जिसमें प्रतिमा एक रिपोर्टाज प्रकाशित होता था। इसके बाद 1944 में विशाल भारत पत्रिका में रांगे राघव ने बंगाल के अकाल पर अदम्य जीवन शीर्षक से एक रिपोर्टाज लिखा, जो तूफानों के बीच में संकलित है। यानी जो इनका उपन्यास वो इनका सॉरी इनका जो रिपोर्टाज है तूफानों के बीच, ये रिपोर्टाज संकलन है, इसमें संकलित है इनका अदम्य जीवन। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के संदर्भ में अमृत राय ने लिखा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, रांगे राघव के उन्हीं रिपोर्टाजों से हिंदी में लिखने का चलन शुरू हुआ है। मैंने और दूसरों ने रिपोर्टाज लिखे, लेकिन जो बात रांगे राघव के लिखने में थी वे किसी को नसीब नहीं हुई। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु ने विपुल मात्रा में रिपोर्टाज लिखे, जिसमें काफ़ी अनुपलब्ध हैं। उनका पहला रिपोर्टाज विपादप नाच है, जो साप्ताहिक विश्वामित्र में 1945 में प्रकाशित हुआ था। और अंतिम है पटना जल प्रलय, जो 1975 में प्रकाशित हुआ। रेणु ने ऋणजल धनजन 1977 में, 1966 के बिहार के भयंकर सूखे और 1976 में पटना की विनाशकारी बाढ़ के सजीव चित्र अंकित हैं। युद्ध पर रेणु का सबसे बड़ा रिपोर्टाज नेपाली क्रांति कथा है, जो दिनमान पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रजातंत्र की स्थापना के लिए राणा शाही के खिलाफ नेपाल में हुए सशस्त्र संघर्ष का वर्णन है। इसके बाद धर्मवीर भारती ने धर्मयुग पत्रिका के माध्यम से अनेक रिपोर्टाज लिखे, जिसमें ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी और दानव की वृत्ति चर्चित है। बांग्लादेश युद्ध यात्रा,
और भारत पाक युद्ध यात्रा के आधार पर भारती का 1972 में युद्ध यात्रा रिपोर्टाज संग्रह प्रकाशित हुआ। शिव सागर मिश्र का रिपोर्टाज लड़ेंगे हजारों साल 1966 ईस्वी में, सन 1965 ईस्वी में वो भारत पाक युद्ध पर आधारित है। विवेक की राय ने जुलूस रुका है और बाढ़ 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 नाम से जो रिपोर्टाज लिखा है उसमें स्वातंत्र्योत्तर भारत के गाँव के दुख दर्द की अभिव्यक्ति हुई है। मणि मधुकर के रिपोर्टाज संग्रह पिछला पहाड़ और सूखे सरोवर का भूगोल रेगिस्तान के जीवन से संबंधित है। इनमें लेखक ने मरुभूमि के जीवन संघर्षों को मानवीय सहानुभूति के साथ उभारा है। देश की मिट्टी बुलाती है अज्ञे का रिपोर्टाज संग्रह है जिसमें जापानी युद्धबंदियों के साथ चर्चित रिपोर्टाज हैं। इनके अतिरिक्त भगवत शरण उपाध्याय, राहुल सांकीर्तन, प्रभाकर माचवे, राम कुमार वर्मा, निर्मल वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, श्रीकांत वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, कमलेश्वर, विवेकी राय, अमृत राय आदि लेखकों ने इस विधा को समृद्ध किया। अमृत राय ने जो रिपोर्टाज हंस पत्रिका में लिखे वे सब लाल धरती संकलन में संकलित हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो रिपोर्टाज पर आधारित।